आईपीएल प्लान पर? देखिए, इंडिया अंडर 19 ऑलरेडी ये खेला हुआ है, वर्ल्ड कप में इसने रन बनाया हुआ है। अगर मैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इसने टेस्ट डेब्यू, मतलब अंडर 19 का जो टेस्ट डेब्यू होता है उसमें 100 किया हुआ है। अंडर 19 एक टीम गई थी इंग्लैंड इंडिया की 2019 में, जिसमें प्रियम गर्ग थे, यशस्वी था, फिर तिलक वर्मा थे, बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो ऑलरेडी आईपीएल में खेल रहे हैं। और जब ये गया था अंडर 19 इंग्लैंड सीरीज में, तो ये वहाँ का हाईएस्ट रन गेटर था। तो अंडर 19 टेस्ट में भी रन है, अंडर 19 वनडेज में भी रन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी रन है। और अगर आप मुंबई क्रिकेट को फॉलो करते हो तो अंडर 25 जो 2 साल पहले हुआ था उसमें इंडिया का ऑलमोस्ट सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर था, 115 का स्ट्राइक रेट था, 101 का इसका बैटिंग का एवरेज था। लास्ट ईयर भी इसने अंडर 23 में काफ़ी रन बनाए हुए हैं। रणजी ट्रॉफी डेब्यू में 35 और 62 का स्कोर है, 48 बॉल पे 62 किया था। और यहाँ की जो मुंबई की जो लीग्स है, कांगा लीग जो भी होता है, इसमें इसका जो स्ट्राइक रेट है मोर देन 130-140 जाता है। लास्ट मुझे याद है लास्ट सीजन में इसने 200 बनाए थे, जो 130 या 140 के स्ट्राइक रेट से बनाए थे। उसके पहले कांगा लीग, पुरुषोत्तम सिंह जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें इसने 6 मैच में 5 सेंचुरीज किया था, जो सब 120-130 के ऊपर के स्ट्राइक रेट थे। हालांकि ये वनडे में थे, तो मुझे तो लगता है कि ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर सम टीम। और जिस तरीके से अभी हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रोक मेकिंग पे और काम करें, क्योंकि अंडर 19 क्लब क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड होता है अलग होता है, आईपीएल का स्टैंडर्ड अलग होता है। बट अगेन, अगर आप नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हो तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए, जो इसके पास है। अब अगर स्ट्रोक मेकिंग एबिलिटी और डेवलप कर ले, क्योंकि अगर आईपीएल को एम करते हो तो आपको 135, 140, 145 की स्पीड को डोमिनेट करना पड़ेगा। तो हमारी तैयारी जारी है, हम काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लास्टिक बॉल से और अलग अलग ड्रिल्स कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ही डिजर्व्स टू बी देयर, क्योंकि अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो टीम देखोगे 2020 में, उसमें से 7 या 8 प्लेयर ऑलरेडी आईपीएल खेल रहे हैं। तिलक वर्मा, यशस्वी, रवि बिश्नोई, प्रियम गर्ग खेल चुके हैं, कार्तिक त्यागी, मिश्रा, और अभी जो 2-3 लास्ट ईयर जो खेल रहे हैं। तो बेसिकली ही डिजर्व्स टू बी देयर। बाकी थोड़ा सा मुंबई क्रिकेटर्स के लिए थोड़ा सा एक स्ट्रगल जरूर होता है सीनियर टीम में आने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 9 से 10 इंडिया प्लेयर हैं। सो पृथ्वी, यशस्वी, श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, मतलब सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, 10 प्लेयर हो गए यहाँ पे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तो मुंबई के लिए थोड़ा सा जो बच्चे जो आईपीएल में पिक नहीं हो पा रहे, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इतने सीनियर हर टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो इनको सीनियर